हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ग्रेट व्हाइट मूवी, जो कि एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम ल्यूक और ट्रेसी होता है। वो एक ब्यूटीफुल आइलैंड पे अपनी बोट पे वेकेशंस पे आए होते हैं और पानी में इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ट्रेसी को पानी में कुछ हलचल फील होती है, तो वो ल्यूक को पानी से बाहर निकलने को बोलती है। फिर वो बोट की तरफ जाने लगते हैं और हम उनके पीछे एक बहुत ही बड़ी शार्क को देखते हैं। ट्रेसी बोट पे चढ़ते हुए जब पीछे देखती है तो ल्यूक को शार्क इंजर्ड करके उसे पानी में ले जाती है। ट्रेसी स्पीड से ऊपर चढ़ने लगती है तो वो स्लिप होकर पानी में गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चार्ली और कैस कपल को देखते हैं। बैंक से लोन लेकर वो लोगों को टूर करवाने का बिजनेस करते थे, लेकिन इनका ये बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा होता। तो आज एक कोरियन कपल जो और मिशेल ने बुकिंग करवाई होती है, वो लोग सफर के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ एक कुक बेनी भी होता है। चार्ली उन्हें बताता है कि वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट था, लेकिन एक दफा वो शार्क पे रिसर्च करने अकेला ही निकल गया तो शार्क ने उसे बाइट कर लिया, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। अब वो लोग एक आइलैंड पहुंच जाते हैं। कैस उन्हें बताती है कि काफी टाइम पहले यहाँ 8 क्रू मेंबर्स 15 दिन तक स्ट्रक रहे बगैर खाए पिए, लेकिन उनमें से एक ही बच पाया। तो मिशेल कहती है कि 18 इयर्स का एक जैपनीज साइकी मुरी था जो मेरे दादाजी थे, और उनकी फोटो भी दिखाती है और बताती है कि उनकी लास्ट विश थी कि उनकी एशेस यहाँ उसके साथियों के साथ दफन की जाए। फिर कैस और चार्ली वॉक करते हुए बातें कर रहे होते हैं, तभी कैस उसे बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट। चार्ली ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो फ्यूचर प्लानिंग करने लगता है। तभी बेनी भागता हुआ आता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। वहां जाकर वो एक डेड बॉडी देखते हैं जिसके दोनों पांव नहीं होते, और ये वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और चार्ली कहता है कि ये जरूर शार्क ने किया होगा। चार्ली गार्ड को इन्फॉर्म कर देता है। कैस को बॉडी के पास से फोन मिलता है। स्क्रीन फोटो पे उसकी और एक लड़की की पिक्चर होती है। बेनी कहता है कि उनकी बोट यहीं होगी और हो सकता है वो लड़की भी जिंदा हो, लेकिन जो कहता है कि ये सब अथॉरिटीज पर छोड़ दो और इस ट्रिप को यहीं एंड करो। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में चार्ली सबसे कहता है कि नीचे देखते रहना, अगर कुछ भी नजर आए तो फौरन बताना। कुछ ही देर बाद मिशेल को बोट नजर आती है। वो नीचे जाकर देखते हैं तो बोट उल्टी होती है, लेकिन बेनी बोट के अंदर चेक करने जाता है तो उसे लड़की की डेड बॉडी नजर आती है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। वो फौरन बाहर आकर प्लेन की तरफ आकर सब बताता है। अब वो लोग वहां से निकलने लगते हैं कि तभी पानी में शार्क आकर उनके प्लेन पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उनका प्लेन डूबने लगता है। वो लाइफ बोट ओपन करके जरूरत का सामान लेकर बोट में बैठ जाते हैं। चार्ली सैटेलाइट फोन से हेल्प के लिए कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। प्लेन डूब जाता है और वो सब लाइफ बोट में बैठ जाते हैं। चार्ली कहता है कि हम वेव्स को फॉलो करते हुए जाएंगे। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं और जो चार्ली से कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था, फिर भी तुम यहाँ आए, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तो मिशेल उसे चुप करवाती है। चार्ली कहता है कि शार्क्स को यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो शायद टेम्परेचर हाई होने की वजह से ऊपर आई हैं या फिर भूख की वजह से। अब मिशेल और कैस बातें कर रही होती हैं। मिशेल बताती है कि जो बचपन में पानी में डूब गया था, जब से उसके अंदर पानी में जाने का डर बैठ गया है। मैं इस ट्रिप पर उसे बहुत मुश्किल से लाई ताकि उसका डर निकल जाए, लेकिन जो हुआ ये सोचा नहीं था। फिर हम देखते हैं कि एक शार्क उनकी बोट का पीछा कर रही होती है। सब बारी बारी पैडलिंग करते हैं। अब जो और डैनी पैडलिंग कर रहे होते हैं। जो को पानी में शार्क नजर आती है और वो चिल्लाने लगता है और तेजी से पैडलिंग करने लगता है, तो डैनी उसे बताता है कि वो डॉल्फिन्स हैं, तुमने सबको डरा दिया। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि दो शार्क्स उनका पीछा कर रही होती हैं। जो और मिशेल पैडलिंग कर रहे होते हैं। मिशेल को नींद आने लगती है तो उसके हाथ से पैडल पानी में गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो बताती है कि पैडल पानी में गिर गया। सब उससे पूछने लगते हैं कि पैडल कहाँ गिरा है, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता। चार्ली टॉर्च से वो पैडल देख लेता है। वो पानी में जाने ही वाला होता है कि कैस किसी को बगैर बताए पानी में जंप करके पैडल लेने चली जाती है। वो पैडल लेकर वापस आ रही होती है तो शार्क उसका पीछा करने लगती है और वो फौरन ही बोट की तरफ जाती है और वो लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब मौसम बारिश जैसा हो रहा होता है और ठंड भी बढ़ रही होती है, तो चार्ली कैस और मिशेल को स्विम सूट पहनने के लिए देता है। कैस और मिशेल स्विम सूट पहनने लगती हैं तो बेनी मिशेल की हेल्प करने आगे बढ़ता है, लेकिन जो उसे रोक लेता है और दोनों में बहस हो जाती है। जो बेनी को धक्का देता है तो वो पानी में जा गिरता है और
शार्क उसे पानी में ले जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। जो को इस हरकत पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। अब बारिश स्टार्ट हो जाती है। कैस बॉटल में पीने के लिए बारिश का पानी भरने लगती है। चार्ली बैग से सामान निकालता है तो उसमें उसे चाकू मिलता है। वो सेफ्टी के लिए उसे अपने पास रख लेता है। अब शार्क उनकी लाइफ बोट पर अटैक कर देती है। वो लोग पानी में गिर जाते हैं। फिर चार्ली, कैस और मिशेल वापस बोट में चले जाते हैं, लेकिन जो पानी में ही रह जाता है और शार्क उसके पास आकर सर्कलिंग करने लगती है। वो लोग जो को बोट की तरफ आने को कहते हैं। वो आगे बढ़ पाता इससे पहले ही शार्क उस पर अटैक करके उसे मार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिशेल बहुत सैड होती है तो कैस कहती है कि आई होप हम आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। तो मिशेल बोलती है कि मेरे ग्रैंडफादर की तरह। उनकी लाइफ बोट की एयर लीक होने लगती है। चार्ली कहता है कि हमें कुछ करना होगा वरना थोड़ी ही देर बाद ये डूब जाएगी। कैस और मिशेल हाथ से पैडलिंग कर रही होती है तो चार्ली उन्हें कुछ देर रेस्ट करने के लिए कहता है और कहता है कि हम वेव्स के थ्रू सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तभी वहाँ शार्क्स आ जाती हैं तो चार्ली पैडल में चाकू लगाकर उस पर अटैक करने लगता है कि तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो शार्क्स हैं। कुछ देर बाद मिशेल को किनारा नजर आता है। वो लोग बोट चलाने लगते हैं। तभी चार्ली पीछे शार्क को आता हुआ देखता है। कैस कहती है कि ये बोट किनारे तक नहीं पहुँच पाएगी। अब चार्ली दोनों से कहता है कि तुम लोग स्विम करके किनारे की तरफ जाओ, मैं शार्क को डिस्ट्रैक्ट करके उसे मार दूंगा। लेकिन कैस कहती है कि हम जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। अब मिशेल किनारे की तरफ स्विम करके जाने लगती है और कैस और चार्ली फ्लेयर गन और चाकू लेकर पानी में जाते हैं। शार्क उनके सामने आती है तो कैस शार्क के मुंह में फ्लेयर गन चला देती है और चार्ली उसके सर पर चाकू मारने लगता है। थोड़ी ही देर बाद शार्क मर जाती है। वहां हम मिशेल को देखते हैं जो किनारे से कुछ ही दूर होती है। शार्क उसके पीछे होती है तो वो एक टूटी हुई बोट पे चढ़ जाती है। अब दूसरी शार्क चार्ली और कैस के सामने आने लगती है तो चार्ली कैस को पीछे हटाकर उसके मुंह में फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन निशाना गलत लग जाता है और शार्क चार्ली को मुंह में लेकर चली जाती है। कैस ये देखकर बहुत घबरा जाती है और फिर मिशेल के पास कैस भी आ जाती है और मिशेल चार्ली का पूछती है तो वो रोने लगती है। तो मिशेल समझ जाती है कि उसे भी शार्क ने मार दिया। अब शार्क उनके पास आ जाती है और बोट पे टक्कर मारती है तो वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। कैस शार्क को डिस्ट्रैक्ट करके मिशेल को किनारे की तरफ जाने को बोलती है और खुद पानी के अंदर बोट में जा छुपती है। तो शार्क वहां भी आ जाती है लेकिन हैंगर में फंस जाने की वजह से वो कैस तक नहीं पहुंच पाती और कैस का ऑक्सीजन टैंक वहां फंस जाता है। तभी वहां एक रॉड होती है तो कैस शार्क को मार देती है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो बेहोश हो जाती है कि तभी वहां मिशेल आ जाती है और उसे ऊपर खींच लेती है और वो दोनों स्विम करके किनारे तक पहुंच जाते हैं। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।